हिमाचल पथ परिवहन निगम के कांगड़ा जिले के देहरा डिपो में ड्राइवर व कंडक्टरों के एरियर में हुए गड़बड़ झाले पर कार्रवाई हुई है। निगम के प्रबंध निदेशक ने देहरा डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक राजन जम्वाल, अनुभाग अधिकारी राजीव कटोच व कनिष्ठ सहायक अमित बाबा को सस्पेंड कर दिया है। इस घोटाले में योगिंदर पाल सीनियर ऑडिटर भी मुख्य आरोपी हैं। इनके कुछ महीने पहले शुरुआती जांच के दौरान ही हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। योगिंदर पाल के साथ मिलकर ही अमित बाबा ने ही 12 से 15 लाख रुपए के गड़बड़ झाले को अंजाम दिया था, लेकिन आरएम व अनुभाग अधिकारी राजीव कटोच भी जांच की जद में आने के बाद सस्पेंड कर दिए गए। फिलहाल 4 लोगों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें एक की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। ट्रैफिक मैनेजर कुशल कुमार को देहरा के आरएम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। जसूर मंडलीय वर्कशॉप का अतिरिक्त कार्यभार धर्मशाला के आरएम पंकज चड्डा को दिया है। पहले ये जिम्मा राजन जम्वाल के पास था। तीनों आरोपितों के मुख्यालय भी तय कर दिए गए हैं। वे अब वहाँ के अधिकारियों की अनुमति के बगैर कहीं और नहीं जा सकेंगे। जब तक वे सस्पेंड रहेंगे तब तक केवल निर्वाह भत्ता मिलेगा। गड़बड़ झाले का ये मामला हमने प्रमुखता से उठाया था। मंडली प्रबंधक हमीरपुर ने आरोपों की जांच की। हाल ही में जांच रिपोर्ट निगम के राज्य मुख्यालय को सौंपी गई थी। इसमें 12 से 15 लाख रुपए का गबन होना साबित हुआ। वहीं आरएम का कार्यभार देख रहे ट्रैफिक मैनेजर कुशल कुमार ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि वह अब देहरा डिपो का कार्यभार संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरएम सहित 2 अन्य कर्मचारियों को ड्राइवर व कंडक्टरों के एरियर में हुई गड़बड़ी के चलते सस्पेंड कर दिया गया है। ओवर पेमेंट डबल पेमेंट करी थी उनको, एम्प्लॉय को अपने खाते में डाल दी थी उन्होंने, जोगिंदर सिंह जी और अमित बाबा जी ने, इस वजह से और उनका पैसा खाया। इसमें उनकी सम्मिलित होने की दो बाबू तो सम्मिलित थे ना, अमित बाबा और जोगिंदर। बाकी तो चलो आरम साहब कार्रवाई की गई। एक साहब है और अमित बाबा क्लर्क हैं, यहाँ पे मेरे को आरम का चार्ज दिया था। कर्मचारी का एरिया होता है 4-14 का, वो ज़्यादा बना दिया और अपने खाते में डाल दिया। PLTV न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट देहरा।